हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द टीचर एग्जाम में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, बात करेंगे यहाँ पे फिर से तीन न्यू पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन के बारे में, जिसमें आपकी दो स्टेट यूनिवर्सिटी हैं और एक आपके यहाँ पे एनआईटी की तरफ से आवेदन पत्र मांगा गया है। टोटल तीन यूनिवर्सिटी हैं, तीनों नए नोटिफिकेशन है। सेशन की बात करें तो 23-24 रहेगा। मैक्सिमम सीट एंड सब्जेक्ट आपको देखने को मिल जाएंगी। नेट अगर आप क्वालिफाइन हैं तो आवेदन कर सकते हैं। अपेयरिंग स्टूडेंट्स हैं, आप भी यहाँ पे एलिजिबल हैं, आवेदन कर पाएंगे। पीजी और यहाँ पे बैचलर डिग्री के बाद भी आप पीएचडी के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो जाते हैं। इसके अलावा हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे चलेंगे, जहाँ पे सीट सब्जेक्ट्स और उसके जो अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। लेकिन चलने से पहले, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वेल आइकन दोस्तों जरूर प्रेस कीजिए। तो यहाँ पर हम पहले ऑफिशियल साइट पर चलेंगे, वहाँ से नोटिफिकेशन कैसे डाउनलोड करना और कैसे अप्लाई करना है ये डिस्कस करते हुए आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और साथ यहाँ पर अन्य पॉइंट्स देखेंगे। नोटिफिकेशन आप मेरे टेलीग्राम चैनल डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऑफिशियल साइट के भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो यहाँ पे अगर हम आप पहला जो आपका नोटिफिकेशन उसको डिस्कस करेंगे, तो आपका जो फर्स्ट नोटिफिकेशन है वो दोस्तों यहाँ पे विश्वेश्वरैया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नागपुर महाराष्ट्र की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं। और हम अगर बात करें आपकी नोटिफिकेशन की, तो आपका यहाँ पर ये क्लिक हेयर फॉर पीएचडी जुलाई 2023 एडमिशन यहाँ पर मैंसन किया गया है, तो इस पर हम क्लिक कर देंगे। और बाकी यहाँ पर जो भी आपके पीएचडी से संबंधित पॉइंट्स हैं दोस्तों, मैं यहाँ पर शॉर्ट में कवर करूँगा। आप जिस भी यूनिवर्सिटी के लिए आवेदन करना चाहते हैं, आप उसका नोटिफिकेशन डिटेल्स में रीड करिएगा, देन एप्लीकेशन फॉर्म आप भरिएगा। यहाँ पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म जो भरना है ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों सबमिट करना है, दोनों यहाँ पे कंपलसरी रखा गया है। जो ऑनलाइन का लिंक है वो गूगल लिंक यहाँ पर दिया गया है, आप देखेंगे तो ये आपके लिंक दिए गए हैं। डिपार्टमेंट वाइज आप जिस भी डिपार्टमेंट के लिए आवेदन करना चाहते हैं उस पर क्लिक करके यहाँ पर अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। और यहाँ पे ऑफलाइन भी आपको सबमिट करना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे ये एप्लीकेशन फॉर्मेट दिया गया है। बाकी यहाँ पे गाइडलाइंस, इन्फॉर्मेशन ब्रोशर, लास्ट डेट, ये सब यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। तो पेजेज ओपन करेंगे और यहाँ पे एक एक को डिस्कस करेंगे। तो पहले मैं आपको जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, और वहीं पर आपको एप्लीकेशन फ़ीस कितनी पे करनी है वो पॉइंट्स मैंसन किए गए हैं, तो वो मैं आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ। ये आपका यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म है, 500 रुपये आपको एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी है, ऑनलाइन फ़ीस आपको पे करनी है, और यहाँ पर आपको SBI कलेक्टर जो रेफरेंस नंबर रहेगा वो यहाँ पर आपको डालना है। बाकी टोटल आपको यहाँ पे 9 कैटेगरी देखने को मिलेंगी, जिसमें आपकी दो तो पार्ट टाइम के हैं, बाकी यहाँ पे फुल टाइम के 7 कैटेगरी के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं। आपको इस एप्लीकेशन फॉर्मेट में अपनी पर्सनल डिटेल्स भरनी है, और आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म भेजना है वो दोस्तों ये आपका यहाँ पर एड्रेस दिया गया है, इस पर आपको भेजना है। और यहाँ पर आप स्पीड पोस्ट या फिर हैंड डिलीवरी के माध्यम से अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पर क्वालिफाइंग सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अटैच कर दीजिएगा, जो कि यहाँ पर लिस्ट दी गई है। 13/6/2023 है, उससे पहले अपना एप्लीकेशन फॉर्म आपको सबमिट कर देना है। बात करेंगे इसके अन्य इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो ये आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स मेंशन किए हैं। 15/5/2023 को आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ किया गया था, 13/6 इसकी ऑफलाइन की और 13/6 इसकी ऑनलाइन की लास्ट डेट रखी गई है। बाकी यहाँ पे अन्य डेट्स दी गए हैं तो आप इन्हें चेक कर सकते हैं। इंट्रेंस एग्ज़ाम की जो डेट्स हैं मैं आपको बता दे रहा हूँ, तो ये दोस्तों आपके यहाँ पे डिपार्टमेंट्स मेंशन किए गए हैं, और इंट्रेंस एग्ज़ाम जो आपका कंडक्ट कराया जाएगा वो 3/7/2023 को कंडक्ट कराया जाएगा। बाकी यहाँ पर आपकी जो टाइमिंग है वो चेंज हो जाएगी, एग्ज़ाम आपका 3 तारीख को ही कंडक्ट कराया जाएगा। 4 तारीख को आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा, और यहाँ पे टाइमिंग भी आपकी डिपार्टमेंट वाइज चेंज हो जाएगी, तो ये आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। ये एंट्रेंस एग्ज़ाम हो जाता है। बाकी यहाँ पे अगर हम बात करें आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, तो ये इसका इन्फॉर्मेशन ब्रोशर, और यहाँ पर आपके पीएचडी से संबंधित सारे पॉइंट्स मैंसन किए गए। यहाँ पर फुल टाइम 1 से 7 हैं, और यहाँ पर पार्ट टाइम 8 से 9, यानी 2 कैटेगरी जो हैं वो पार्ट टाइम की आवेदन पत्र मांगे गए हैं। बाकी यहाँ पर आप डिटेल्स दी गए हैं, इन्हें चेक कर लीजिएगा। एक के मैं आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दे रहा हूँ, बाकी आप जिस भी डिपार्टमेंट के लिए आवेदन करना चाहते हैं आप उसी डिटेल्स में चेक कर सकते हैं। फर्स्ट डिवीजन से आपने अपना मास्टर या फिर बैचलर कंप्लीट किया हो, अगर आप में CGPA अप्लाई है तो आप में 6.75 आपका CGPA या फिर CPI होना चाहिए 10-point स्केल पर। साथ यहाँ पर आप गेट क्वालीफाई हों या फिर नेट क्वालीफाई हों तभी आवेदन कर सकते हैं। ये आपके यहाँ पर डिपार्टमेंट्स वाइज यहाँ पर आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है, आप इसे चेक कर सकते हैं। अगर हम बात करें आपकी सिलेबस ऑफ रिटर्न एग्ज़ाम की, तो यहाँ पे ये आपका सिलेबस दे दिया गया है, तो आप इसे भी यहाँ से पॉज करके देख सकते हैं। आप जिस भी डिपार्टमेंट के लिए आवेदन करेंगे सिलेबस भी चेक कर सकते हैं। एरिया ऑफ आपके जो रिसर्च हैं वो भी यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, तो आप इसे भी यहाँ से चेक कर सकते हैं। हम नीचे आएंगे और जो आपका दोस्तों यहाँ पर एडमिशन सिलेक्शन प्रोसीजर है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये आपका एडमिशन सिलेक्शन प्रोसीजर है, अप्लाई करने के लिए दोस्तों यहाँ पर आपकी जो फ़ीस सबमिट होनी है वो यहाँ पर लिंक दिया गया है, इस पर आप क्लिक करके फ़ीस सबमिट कर सकते हैं। ये एड्रेस दिया गया है जिस पर आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स अपने सबमिट करने हैं, और गूगल फॉर्म आपको भरना कंपलसरी रखा गया है। रिटर्न एग्ज़ाम आपका कंडक्ट कराया जाएगा, प्लस इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा, उसी के माध्यम से आप सिलेक्ट हो सकते हैं। 100 मार्क्स का आपके यहाँ पे रिटर्न एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। और यहाँ पे अगर हम बात करें आपकी वेटेज की, तो ये आपके वेटेज दिया गया है। रिटर्न एग्ज़ाम का 40%, गेट नेट सेट का 40%, इंटरव्यू का 20% वेटेज दिया गया है।
तो आप यहाँ पे वेटेज चेक कर सकते हैं, और ये यहाँ पे जो 7 और 9 की कैटेगरी की बात की गई उनके यहाँ पे वेटेज दिया गया है, तो ऐसे आप यहाँ पे इसे चेक कर पाएंगे। बाकी यहाँ पे अगर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे इस नोटिफिकेशन में दोस्तों जो आपके पॉइंट्स हो मैंने आपको लगभग बता दिए हैं, और यहाँ पे कैसे अप्लाई करना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एडमिशन सिलेक्शन प्रोसीजर, सीट एंड सब्जेक्ट के बारे में यहाँ पे कोई जानकारी नहीं दी गई। डिपार्टमेंट्स तो आपको बताए गए हैं लेकिन यहाँ पे सीट्स के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है, तो आप इसे यहाँ से चेक कर सकते हैं और अप्लीकेशन फॉर्म आप भर पाएंगे। ये फर्स्ट नोटिफिकेशन आपका कंप्लीट हो जाता है। और बात करें अगर आपके सेकंड नोटिफिकेशन की, तो आपका जो सेकंड नोटिफिकेशन है वो दोस्तों रिलीज़ किया गया है करमबीर भावराव पाटिल यूनिवर्सिटी सतारा महाराष्ट्र की तरफ से, जो कि एक स्टेट यूनिवर्सिटी है और बहुत ही ये भी बेहतरीन यूनिवर्सिटी है। यहाँ पे भी अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं तो आवेदन ज़रूर करिएगा। अगर हम बात करें आपकी नोटिफिकेशन की, तो आपका नोटिफिकेशन यहाँ पर भी मैंसन किया गया है, और आपका नोटिफिकेशन ये आप देखेंगे PhD इंट्रेंस आपका यहाँ पर मैंसन किया गया है, तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पे आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा जहाँ से आप ये जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने का लिंक दिया गया है, और यहाँ पे आप अपना जो नोटिफिकेशन है वो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो ये लिंक दिया गया है, इस पर आप क्लिक कर सकते हैं। लास्ट डेट इसकी 23/5/2023 है, वहाँ पर आप क्लिक करके यहाँ पर आप अपना जो रजिस्ट्रेशन वो कर पाएंगे, और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद अप्लीकेशन फॉर्म आप भर सकते हैं। ये नोटिफिकेशन दिया गया है कि टेक्निकल क्वेरी है, तो यहाँ पे एक ईमेल आईडी दी गई, इस पर अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, नोटिफिकेशन डिस्कस करेंगे। तो ये आपका यहाँ पे नोटिफिकेशन है। अगर हम बात करें आपकी फ़ीस की, तो यहाँ पे 1500 रुपये PhD के कैंडिडेट्स को अप्लीकेशन फ़ीस पे करनी है, और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये दोस्तों यहाँ पर आपको जो PhD का एडमिशन सिलेक्शन प्रोसीजर वो मैंसन किया गया, जहाँ पर बताया गया आपको एक रिटन एंट्रेंस टेस्ट प्लस इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा, और यहाँ पर आपके 100 मार्क्स का आपका पेपर कंडक्ट कराया जाएगा, 50 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, और प्रत्येक क्वेश्चन यहाँ पे 2 मार्क्स का रहेगा। क्वालिफाई करना पड़ेगा आपको इस एग्ज़ाम को, जिसमें आपको 50% मार्क्स लाने रहेंगे। अगर आप SC ST VI NT के नॉन क्रीमिलेयर या फिर OBC के नॉन क्रीमिलेयर EWS कैटेगरी से आएंगे, तो अगर आप इस एग्ज़ाम में 45% मार्क्स ले आएंगे, एग्ज़ाम आप क्वालिफाई कर जाएंगे। बाकी एग्ज़ाम सेंटर आपका हमें लग रहा है कि सतारा में ही रहेगा, बाकी यहाँ पर जब एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे तो एग्ज़ाम सेंटर आपको पता चल जाएगा। नीचे आएंगे तो अगर हम बात करें आपकी सीट्स के बारे में, तो ये दोस्तों आपके यहाँ पे PhD की सीट्स मेंशन की गई हैं, जहाँ पे आपकी ये कैटेगरी मेंशन की गई हैं, और ये आपके यहाँ पे डिपार्टमेंट मेंशन किए गए हैं। तो यहाँ पे आपके जो सब्जेक्ट्स हैं वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, बाकी यहाँ पे टोटल सीट्स और आप जिस भी कैटेगरी से आते हैं वो सीट्स चेक कर लीजिएगा। एजुकेशन है इंग्लिश है, इकनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिंदी, मराठी, साइकोलॉजी, और आपके यहाँ पर हिस्ट्री है, पोलिटिकल साइंस है, बिजनेस इकनॉमिक्स है, कॉमर्स है, बायोटेक्नोलॉजी है, बॉटनी है, केमिस्ट्री है, कंप्यूटर साइंस है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, फिजिक्स है, स्टैटिस्टिक्स है, और जूलॉजी है। टोटल 125 सीट्स के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं। और नीचे चलें अगर हम बात करें इसके अन्य पॉइंट्स के, यानी इसके सिलेबस के बारे में, तो ये दोस्तों आपके यहाँ पे PhD इंट्रेंस का सिलेबस दिया गया है। इसी नोटिफिकेशन में आपका सिलेबस जो है वो अटैच कर दिया गया है, तो यहाँ से आप सिलेबस भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे इंडेक्स में आपका जो सिलेबस है वो यहाँ पर मैंसन किया गया है, तो यहाँ से आप अपना सिलेबस चेक कर पाएंगे। अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पर आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में दोस्तों वही है कि आपके पास मास्टर डिग्री में 55% मार्क्स होने चाहिए। कैटेगरी से आएंगे तो आपको 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा, जैसे कि SC ST OBC के नॉन क्यू मिले, डिफरेंट लेवल कैंडिडेट्स हैं, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से आते हैं, तो आपको यहाँ पे 5% का रिलैक्सेशन मिल जाता है। अगर आपके पास मास्टर डिग्री में 50% मार्क्स हैं तो यहाँ पर आप भी एलिजिबल हैं, आवेदन कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे इंट्रेंस एग्ज़ाम सभी कैंडिडेट्स को देना पड़ेगा, यहाँ पे आपको जो वेटेज है वो देखने को मिलेगा। MPhil के कैंडिडेट्स को 7 नंबर, नेट, स्लेट, सेट, गेट, GPA, TVET के 7 नंबर, नेट, बीच, JRF 7, तो ये यहाँ पे ये आपको मिल जाएगा, जो कि यहाँ पे बताया गया है। मिनिमम 3 और मैक्सिमम 6 सालों में आप अपनी PhD कर सकते हैं, और यहाँ पे ये प्रोसीजर फॉर एडमिशन मेंशन किया गया, जो कि मैंने पहले ही आपको बता दिया है। और यहाँ पे हम अगर बात करें इसके वेटेज की, तो 30 और 70 का वेटेज आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे दोस्तों आपकी जो इंटरव्यू है वो कंडक्ट कराया जाएगा, जो कि यहाँ पे बताया गया है कि सब्जेक्ट नॉलेज एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी के 10 मार्क्स आपको रहेंगे, रिसर्च इंटरेस्ट के 10 मार्क्स, और रिसर्च कंपटेंसी के आपके यहाँ पे 10 मार्क्स रहने वाले। टोटल 30 मार्क्स का आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। इंट्रेंस टेस्ट जो कि मैंने पहले ही यहाँ पे बताया है, आप इसे यहाँ से फिर से चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो आप सारे क्वेश्चन भी अटैम्प्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे दोस्तों ये आपका नोटिफिकेशन जो था वो मैंने यहाँ पे आपकी एलिजिबिलिटी बता दी है, एडमिशन सिलेक्शन प्रोसीजर, फीस और इंपॉर्टेंट डेट्स, ये मैंने आपके पॉइंट्स बता दिए हैं। अप्लाई कैसे करना था ये भी मैंने आपको बता दिया, तो आप इस नोटिफिकेशन को यहाँ से चेक कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे जो आपको डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं वो यहाँ पे नीचे दिए गए हैं, तो आप यहाँ से चेक कर पाएंगे। सेकंड नोटिफिकेशन आपका कंप्लीट हो जाता है, आवेदन फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप यहाँ पे जो नोटिफिकेशन दिए गए हैं आप उन्हें चेक कर सकते हैं और अप्लीकेशन फॉर्म आप भर पाएंगे। अगर हम बात करें आपके थर्ड नोटिफिकेशन की, तो जो आपकी थर्ड यूनिवर्सिटी है वो दोस्तों यहाँ पे आपके गुरुग्राम यूनिवर्सिटी की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं, जो कि आपको ये हरियाणा में देखने को मिलेगी, और ये भी काफ़ी बेहतरीन विश्वविद्यालय है। अगर हम बात करें आपकी नोटिफिकेशन की, तो आपका नोटिफिकेशन वो यहाँ पे भी मेंशन किया गया है।
तो यहाँ पे आप देखेंगे एडमिशन में आपका जो नोटिफिकेशन मेंशन किया गया है, यहाँ पे ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म भरने का लिंक दिया गया है और PhD प्रोस्पेक्टस यहाँ पे दिया गया है जहाँ पे आपके PhD से संबंधित सारे पॉइंट्स मेंशन किए गए हैं। तो इन्हें हम ओपन कर लेंगे। अप्लाई करने के लिए पहले मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, तो यहाँ पे लिंक दिया गया है, आप यहाँ अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं, देन अप्लीकेशन फॉर्म आप भर पाएंगे। प्रोस्पेक्टस जो कि मैंने पहले से डाउनलोड कर रखा है, अब इसको हम डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे आपके जो PhD से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उन्हें मैं आपको बता दे रहा हूँ, तो आप उन्हें चेक कर सकते हैं और अपना एप्लीकेशन फॉर्म आप भर पाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे यूनिवर्सिटी का एडवर्टीजमेंट है जहाँ पे आप देखेंगे तो 22-23 के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे लिमिटेड डिपार्टमेंट्स के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं, जहाँ पे आपको फार्मास्यूटिकल साइंस डिपार्टमेंट देखने को मिलेगा, पब्लिक पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस डिपार्टमेंट देखने को मिलेगा, फिजियोथेरेपी एंड कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट आपको देखने को मिलेगा। टोटल यहाँ पे आपके 4 डिपार्टमेंट्स दिए गए हैं जिनमें आप PhD के लिए आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पे वैकेंट सीट्स और फ्रेश एडमिशन ये यहाँ पे बताया गया है। अप्लाई करने का लिंक ये यहाँ पे आपका दिया गया है, अप्लाई कैसे करना तो मैंने पहले ही आपको बता दिया है। और यहाँ पे अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो 31/5/2023 इसकी लास्ट डेट है। एग्ज़ाम आपका यहाँ पे 17/7/2023 को कंडक्ट कराया जाएगा, जो कि यहाँ पे डेट पहले से दे दी गई है। और अगर हम बात करें आपकी एप्लीकेशन फ़ीस की, तो यहाँ पे आपको फ़ीस पे करनी पड़ेगी 1000 रुपये, और यहाँ पे 250 रुपये कैंडिडेट्स अगर आएंगे शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड क्लास, आप हरियाणा या डिफरेंट अवेल कैंडिडेट्स हैं या फिर EWS कैटेगरी से आते हैं, तो उन कैंडिडेट्स को यहाँ पे 250 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी है, बाकी सभी को 1000 पे करनी पड़ेगी। हार्ड कॉपी सबमिट करने की कोई आवश्यकता नहीं है, जो कि यहाँ पे बताया गया है। बाकी किसी प्रकार की क्वेरी है तो नंबर से मेल ID दी गई हैं, क्वेश्चन करके यहाँ पे कॉल करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों हम इसके ई प्रोस्पेक्टस पे चलेंगे, जहाँ पे आपके PhD से संबंधित जो पॉइंट्स थे वो मेंशन किए गए हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो ये आपका यहाँ पे ई प्रोस्पेक्टस है, जो कि यहाँ पे आपके PhD से संबंधित सारे पॉइंट्स मेंशन किए गए हैं, तो हम जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको यहाँ पे देख। तो दोस्तों आपका चैप्टर 1 में आपके जो PhD से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मेंशन किए गए हैं, जहाँ पे आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो 50% मार्क्स होने चाहिए। और अगर आप आते हैं SC ST ब्लॉक ए ब्लॉक बी नॉन क्यूमिलेयर या फिर डिफरेंट अवेल कैंडिडेट्स हैं हरियाणा के, तो आपको 5% का रिलेक्सेशन मिलता है। अगर आपके पास 50% मार्क्स हैं मास्टर डिग्री में कंसर्न सब्जेक्ट से, आप एलिजिबल हैं, आवेदन कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे ये कोर्स वर्क के बारे में जानकारी दी गई, तो आप इसे चेक कर सकते हैं। यहाँ पे जो आपकी एडमिशन सिलेक्शन प्रोसीजर में वो यहाँ पे एक रिटर्न टेस्ट और इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। ये आपके यहाँ पे 100 मार्क्स का एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा, 3 घंटे का आपको यहाँ पे टाइम मिलेगा। और यहाँ पे आप देखेंगे तो 25 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आपके रहेंगे कंसर्न सब्जेक्ट से, और 25 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन रहेंगे आपके यहाँ पे रिसर्च एप्टीट्यूड, करेंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज, जो कि यहाँ पे सबके लिए कंपलसरी रहेगा। इसके साथ यहाँ पे पार्ट 1 और पार्ट 2 आपको एक पेपर में देखने को मिलेंगे, और आपका जो पार्ट 2 रहेगा वो यहाँ पे 75 मार्क्स कैरी करेगा। और यहाँ पे MCQ टाइप के आपके क्वेश्चन रहने वाले हैं। साथ यहाँ पे अगर हम बात करें निगेटिव मार्किंग की, तो कोई निगेटिव मार्किंग नहीं, सारे क्वेश्चन आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए आपको 50% मार्क्स लाने रहेंगे, और अगर आप आएंगे कैटेगरी से तो यहाँ पे 47.50% मार्क्स लाएंगे, तभी आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाएंगे। और ये यहाँ पे एंट्रेंस एग्ज़ाम जो एग्जेम्प्टेड कैटेगरी के हैं उनके कैंडिडेट्स के बारे में बात की गई, जहाँ पे UGC, CSIR, NET, JRF या फिर आप यहाँ पे GATE या फिर फेलोशिप होल्डर हैं, GPT क्वालिफाई हैं, तो एग्ज़ाम देने से आपको छूट मिल जाएगी। बाकी ये आपके यहाँ पे वेटेज मेंशन किया गया, तो आप इसे यहाँ से चेक कर सकते हैं। और फिर से यहाँ पे आपका जो एग्जेम्प्टेड कैटेगरी के वेटेज है वो यहाँ पे बताया गया है, तो आप इसे यहाँ से चेक कर पाएंगे कि यहाँ पे ये चैप्टर 3 में आपके यहाँ पे जो एडमिशन सिलेक्शन प्रक्रिया को अप्लाई कैसे करना है वो यहाँ पे बताया गया, लिंक दिया गया जो कि मैंने पहले बताया। बाकी एडमिशन प्रोसेस दिया गया, तो आप इसे यहाँ से चेक कर सकते हैं। इस भी नोटिफिकेशन में आपके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बता दें, तो इन पॉइंट्स को आप चेक कर सकते हैं और एप्लीकेशन फॉर्म आप भर पाएंगे। दोस्तों यहाँ पे मैंने कोशिश की है कि आपके पॉइंट्स जो इंपॉर्टेंट थे वो बताए जाएँ, बाकी यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हो सकता है कि छूट गए हों, तो आप उन्हें इन तीनों नोटिफिकेशन में चेक कर लीजिएगा, देन एप्लीकेशन फॉर्म भरिएगा। किसी प्रकार की क्वेरी है तो यहाँ पे नंबर से मेल ID दी गई, उन पर अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं या फिर अपना क्वेश्चन आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ पाएंगे। 3 नोटिफिकेशन के बाद अब हम वीडियो को समाप्त करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दोस्तों जरूर प्रेस कीजिए, जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलेंगे ऐसे एक अन्य PhD के नोटिफिकेशन के जानकारी के साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।